मेरे दुख हो। नगर डिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को, ये बात तब की है जब ब्रज को छोड़ के कन्हैया जी वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। सभी सखियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन राधा रानी एक कोने में खड़ी होके अपने प्रीतम को निहार रही हैं और कह रही हैं, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। पत्थर की दुनिया से निकल के देखो ना एक बार, कितना दुखी है संसार, कितना दुखी है संसार। इसलिए जब कोई सुने गाना मेरे मन के दुखड़े, दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े।
कन्हैया जी की उदो जी राधा जी को ढूंढ रहे हैं पूरे ब्रज में। सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ राधा नाम की गोपी कहाँ रहती है। तो ब्रज के ग्वाल वाल कह रहे हैं, बोले अपने पीछे देखो, ये जो नदी बह रही है ना, ये राधा रानी के आंसुओं से बनी है। जहां तक ये नदी खत्म हो जाए वही समझ लेना राधा रानी बैठी है। और जैसे ही उदो जी पहुंचे तो सुनिए क्या हुआ। पाटी पढ़ के राधा के यूं, पाटी पढ़ के राधा के यूं, परसे नैन के दोनों आंसू की पानो यमुना में बाढ़ गई, यमुना में बाढ़ गई। इसीलिए मनी मन से गालियां दे रही है राधा रानी और कह रही है, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती है निराशा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा। और मित्र साहब, एक बार तो तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यूं रो रो के, बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो। पूरा ब्रज कन्हैया जी के रथ के पीछे जा रहा है, गोपियां रो रही हैं, रथ के आगे लेट गई के कन्हैया, जब तक ये रथ हमारे ऊपर से नहीं जाएगा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन कन्हैया तब भी जा रहे हैं, इससे जैसा निष्ठुर मतलबी इस संसार में या तो कन्हैया हुआ या कोई हुआ ही नहीं। जरा दोनों हाथ उठाइए ना, एक बार दोनों हाथ प्रेम से ताली में आ गया। सवरिया हो